और वो ऐसे अचानक क्यों जाएंगे? नानू ये बात तो आपको घर जाके पता चलेगी। हो सकता है कि अबीर और कुणाल को आपकी जरूरत हो। बापू जी मिष्टी सही कह रही है, हमें घर जाना चाहिए। चलिए। सदा सुखी रहो बेटा, खुश रहो। ज्योति रहो। घर जाके मुझे कॉल करना पारुल माँ। पारुल मासी चिंता मत करो, चलिए। राधिकृष्ण, राधिकृष्ण मिस्टी, अब आप हमें बताएंगी कि आप गोवर्धन से पहले कहाँ चली गई थी? हम सच सुनना चाहते हैं। याद है आपने मुझसे कहा था कि शादी के बाद मुझे उस घर में रहना या नहीं रहना है वो मेरा भी डिसीजन होगा। मैं उस बारे में सोच ही रही थी कि मुझे पता चला कि मेहुल अंकल अच्छे आदमी नहीं है। क्या? जो भी हो मिष्टी, तुझे आज के दिन नहीं जाना चाहिए था। कितना समझाया तुझे, कितनी बार मना किया, लेकिन तू भी ना जानती है अबीर को पता चलने ही वाला था। अबीर को इस बारे में पता चल ही जाएगा, मीनाक्षी आंटी उसे सब सच बता देंगे। मिष्टी, शौर्य की माँ, आप दोनों हमें बताएंगी ये सब हो क्या रहा है? I'm sorry बड़े पापा, अबीर अपने बाबा को जैसे समझता है वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने बहुत सारे स्कैम्स किए और अब एक फ्रॉड भी, और अब वो उस फ्रॉड में अबीर को फंसाना चाहते हैं। और इस बात का प्रूफ भी था मेरे पास जो मैंने मीनाक्षी आंटी को दे दिया। तो इसीलिए मेहुल जी अबीर का नाम आज ही बदलवाना चाहते थे, इसलिए वो पेपर्स भी लाए थे माँ। अबीर ने उन पेपर्स पे साइन तो नहीं किया ना? नहीं, नहीं किया। लेकिन तूने ये बात अबीर ब्रो को बताई क्यों नहीं? क्योंकि मीनाक्षी आंटी को टाइम चाहिए था। लेकिन किस लिए? पुलिस कंप्लेंट करने के लिए, अबीर को उन पेपर्स पे साइन करने से रोकने के लिए, मेहुल अंकल को जेल भिजवाने के लिए। मिस्टी, बेटा आप इतने दिनों से इतने तनाव में थी और इतनी बड़ी गुत्थी अकेले सुलझा रही थी। अब जानती भी है बेटा कि इसमें कितना खतरा था। आज पता चला है बड़े पापा, लेकिन आज से पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था। मेहुल अंकल की असलियत के बारे में शौर नहीं थी बड़ी माँ, और इस बात के लिए मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था, तो मैं किससे क्या बताती? ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है मिष्टी, आज तक एपिक फैमिली ड्रामा है। ये सब जान के भी तू यहाँ क्या कर रही है? मतलब तुझे तो अबीर ब्रो के साथ होना चाहिए ना, वहाँ उनके घर पे। कोहू बिल्कुल ठीक कह रही है मिष्टी, तुम दोनों को इस वक्त वहाँ होना चाहिए था। सुन बेटा, अबीर के लिए ये बहुत मुश्किल समय है, उसे तेरे साथ की जरूरत होगी, है ना? अगर तुम मेरे बहन पारो के पति है। जब पारो माँ बनने वाली थी, पारो और मैंने सोचा था कि अगर लड़का होगा तो नाम रखेंगे कुणाल। मैं जानती हूँ बड़ी माँ, मैं हमेशा अबीर के साथ खड़ी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी वहाँ जाना चाहिए। ये उनका फैमिली मैटर है। मिष्टी, अबीर के डैड एक बैड मैन है, तुझे ये बात पहले पता चली है ना, तो तुझे तो ये बात अबीर ब्रो को बतानी चाहिए। नहीं कु, अपने पापा कितने बुरे हैं ये बात खुद को पता चलनी अलग बात होती है, और सबके सामने पता चलनी अलग बात होती है। जब ये बात पब्लिक होती है तो कैसा लगता है मुझे बताएं। जब मेरे पापा यहाँ उस दिन आए थे और उन्होंने वो सब, हम तब भी आपके साथ थे और अब भी आपके साथ है, और सिर्फ आप ही के नहीं, हम अबीर के साथ भी हैं। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अबीर को ये सच सुनने की शक्ति और समझने का संयम दें। हम आपसे आज एक वादा करते हैं बेटा, या आपके बड़े पापा, आप और अबीर, उन दोनों के लिए काफी है। आप चिंता ना करें बेटा। अबीर ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ गलत हो रहा है? हेलो मिस्टर दीदी,
अबीर भैया घर वालों से बहुत नाराज है, वो बड़े साहब को लेकर चले गए हैं। क्या? और दीदी वो कह के गए कि वो इस घर में कभी वापस नहीं आएंगे दीदी। No, that's not possible. मिस्टी बेटा, ये सच है, वो चला गया। कुछ कर बेटा, वो हमारे साथ नहीं रहना चाहता तो कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे नए घर का गृह प्रवेश करवाऊंगा, लेकिन अगर अभी हम सब से मुंह मोड़ के चला गया, अगर वो कभी वापस नहीं लौटा तो ये घर बिखर जाएगा बेटा। सिर्फ तू ही है मिस्टी बेटा जो उसको मना सकती है। कुछ भी कर बेटा, तू अबीर को वापस ला। अबीर वापस आएगा नानू, और वो फिर कभी आप लोगों को छोड़कर जाने की बात भी नहीं करेगा। मैं उसे वापस लाऊंगी। आई प्रॉमिस नानू, आप चिंता मत करो, मैं उसे वापस लाऊंगी। मिश्री, निधि मामी का फोन था। क्या वो जो कह रही थी वो सच था? क्या अबीर ब्रो सच में? मैं अबीर को ढूंढने जा रही हूँ। तू उसकी ऐप पे ट्रैक करना वो कहाँ है, और मुझे अपडेट करना प्लीज। अब सही कह रहे हैं, मैं बेवकूफ हूँ, ना समझ हूँ, स्टुपिड हूँ, इतना स्टुपिड हूँ कि पूरे घर वाले मुझे समझा रहे थे कि आप कैसे इंसान हैं, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। मेरी माँ ने मुझसे कितना कहा कि आप बहुत ही बुरे इंसान हैं, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। इसी जगह पर आपकी बताई हुई चार बातों को मैं सच मानता रहा, आपको सच्चा मानता रहा। मैं इतना स्टूपिड हूं कि मैं ये मानता रहा कि मेरे बाबा ने मुझसे प्रॉमिस किया है वो वापस मुझसे मिलने आएंगे, वो मेरे लिए वापस आएंगे। हर साल गणपति जी से ये प्रार्थना करता रहा कि मेरे बाबा मुझे वापस मिल जाए। फाइनली गणपति जी ने मेरी सुन ली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं और बेवकूफ बनूं, इसलिए फाइनली उन्होंने मेरे सामने मिस्टर मेहुल कपाड़िया का सच लाया। मेहुल कपाड़िया बेटा, मेरी कोई गलती नहीं है बेटा, मीनू तुम्हारी माँ ने आगा नाम अपनी ज़बान पे बचा। मुझे आपका सच बहुत पहले ही पता चल गया था, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था, देखना चाहता था कि आप किस हद तक गिर सकते हैं। बेटा ये सच। That's enough. Enough. राजगढ़ करवा चौथ के दिन माँ नहीं मिश्टी गई थी, मिश्टी गई थी। बेटा करवा चौथ के दिन ही यहाँ नहीं थी, राजगढ़ में थी। बेटा बेटा वो स्कैम सब मीनू ने। माँ तो जानती भी नहीं थी कि मैं अपना नाम बदलना चाहता हूँ। आप चाहते थे कि मैं अपना नाम बदल लूं, आपका पूरा सच सामने आ चुका है। अब नाटक करके कोई फायदा नहीं, सब खत्म हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। अभी ये सब इसी लड़की की वजह से। और आज मिष्टी पर आपने आवाज ऊंची की तो उसकी आवाज से मैं रुक गया, लेकिन अगली बार उस पे हाथ उठाने का सोचा भी नहीं तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा।
साहब, यही है वो। अच्छा हो गया आप आ गए इंस्पेक्टर साहब। हमें राजगढ़ में हुए स्कैम के मुजरिम को अरेस्ट करने आए हैं। ये रहा अरेस्ट वारंट। ये आपके मुजरिम, अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। ये आपके मुजरिम है, स्कैम इसने किया है। यही है वो अबीर कापड़िया जिसके नाम पे स्कैम है। अबीर कापड़िया। तो पुलिस के डर से नाम तो नहीं बदल सकता, गिरफ्तार कर लो सर। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं। इंस्पेक्टर, इस नाम का आदमी यहाँ है ही नहीं। ये देख लीजिए। मेरा नाम अबीर मीनाक्षी राजवंश और हमेशा रहे, और हमेशा रहे। बस हो गया मेहुल कापड़िया, आपका सब सच हम जान चुके हैं। सबूत है हमारे पास, चलिए हमारे साथ, ले चलो इन्हें। चलो एक मिनट। अरे लड़की, मैंने तुमसे कहा था इस कहानी का मेरा ये प्रथम अध्याय है, मैं वापस आऊंगा। के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।